चेहरे का मॉइस्चराइजेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बिना, ये यूं कहूं स्किन का मॉइस्चराइजेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बिना आप चेहरे पे चमक नहीं ला सकते। आपकी स्किन बहुत गोरी हो सकती है, आपकी स्किन बहुत क्लियर हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो चमके। तो स्किन थोड़ा डल कलर हो या गोरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चमकना चाहिए। और ये आपके हाथ में, आज हम आपको बताएंगे आपके स्किन को मॉइस्चराइज करने का एक अचूक घरेलू नुस्खा, जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके आपकी स्किन, खास तौर से चेहरे की स्किन जो आप चाहते हैं, उसको चमका देगा। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज साथियों बहुत इम्पॉर्टेंट विषय पर चर्चा है, वो है आप चीज आपके चेहरे के स्किन का या आपके शरीर की स्किन का मॉइस्चराइजेशन। स्किन जितनी मॉइस्चराइज रहती है, त्वचा में जितना वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, त्वचा उतनी चमकती है। तो अगर आपको त्वचा को चमकाना है, अगर आपकी स्किन को, आपको अपनी स्किन को चमकाना है, तो आपको उसको मॉइस्चराइज रखना पड़ेगा। और हम लोग तमाम मॉइस्चराइज़र बाज़ार से लाते हैं, लेकिन उसको लगाने के घंटे दो घंटे बाद, घंटे भर बाद ही हम कहेंगे आपकी स्किन वहीं चली आती है जहां से शुरू हुई थी जब आप मॉइस्चराइज़र लगाए थे। उसके पहले की स्थिति में एक घंटे के अंदर स्किन वापस आ जाती है, यानी कि वो मॉइस्चराइज़र उतने कारगर नहीं रहते हैं जितना कि आप सोच के उनको अपने घर ला के अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। इसके दो कारण होते हैं साथियों, एक हमने जो वीडियो भी बनाया है, एक पहली बात तो ये, एक हम गलती करते हैं, हम अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा पोंछने के बाद फिर उस पर मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। ऐसी स्थिति में जो मॉइस्चराइज़र होता है उसका काम आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करना नहीं होता, उसका काम होता है स्किन के वाटर कंटेंट को रोकना। और जब हम इतना चेहरे को रगड़ के पोंछ लेते हैं कि उसमें मॉइस्चर ही नहीं रह जाता, तो मॉइस्चराइज़र फिर उस मॉइस्चराइज़र को रोकेगा ही कैसे जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहली बात, आपको थोड़ी सॉफ्ट स्किन पे, गीली स्किन पे मॉइस्चराइज़र का एप्लीकेशन करना है। और दूसरी बात, आपको घर के बने मॉइस्चराइज़र का एप्लीकेशन करना है। बाहर का आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लेते हो, चाहे वो मिल्क का हो, चाहे मिल्क क्रीम का हो, चाहे वो ऑरेंज का हो, चाहे वो किसी भी कंपाउंड उसमें पड़ा हो, लेकिन वो 6 से 8 से 10 महीने पुराना होता है। आप डेट ऑफ मैन्युफैक्चर देख लीजिएगा, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर आपको 6-8 महीने पहले की मिलेगी, जब तक वो फैक्ट्री से होता हुआ सारे एजेंट से C&F डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर तक पहुँचता हुआ आप तक पहुँचता है, तो उसकी शेल्फ लाइफ 8-10 महीने बीत चुकी होती है। दूसरी बात, उसके इंग्रेडिएंट कोई और भी पहले लाया होगा उस फैक्ट्री में, और जिसने सप्लाई करे होंगे वो और पहले उन इंग्रेडिएंट्स को लाया होगा। तो जो वास्तविक रूप में आप अगर 6 महीने भी ये देख के खुश हो रहे हैं कि 6 महीने पुराना ही तो हमारा केवल सामान है, उसको आप 6 में 6 महीना और जोड़ लीजिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट अपने बेस से, अपने रूट से, अपने शुरू से उस फैक्ट्री तक पहुंचने में जहां वो बना है उसमें भी उतना ही समय लगा होगा जितना वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होके आपके हाथ पे आया है। तो हम आपको साथियों ऐसी बात बताते हैं आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहे घर के बने नुस्खे से, जो कि 1-2 दिन पुराना सामान केवल खेत का लाया हुआ होगा, हम कहते हैं 3-4 दिन पुराना मान लीजिए, क्योंकि इससे पुराना होगा तो वो चीज़ें सड़ जाएंगी। तो 1-2 दिन पुराना खेत का सामान, और उससे आप जो है अपने चेहरे को फ्रेश चीज़ों से चमका सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा साथियों? इसका फ़ायदा ये होगा कि इन पदार्थों के लॉन्ग एप्लीकेशन से आपका चेहरा ख़राब नहीं होगा। तो साथियों आपको बताते एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन को चमकाएगा भी, धमकाएगा भी, और आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा।
क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस में होंगे तो सारी ताकत आप किसी लक्ष्य की ओर लगा देंगे। तो बताते हैं साथियों, बहुत आसान नुस्खा जो आपके फेस को मॉइस्चराइज कर देगा। आपको साथियों इसके लिए कुछ विशेष नहीं करना है, जैसे आपको हमारे किसी भी नुस्खे के लिए नहीं करना पड़ेगा। आप एक बड़ा चम्मच कोकोनट ऑयल लीजिए, गरी का तेल, नारियल का तेल, अगर वो एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल हो, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल हो तो बहुत अच्छा है। और यूट्यूब पे तमाम वीडियोस पढ़े, बड़े अच्छे वीडियोस पढ़े कि आप घर में कैसे कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, वो कोकोनट ऑयल होता है जिसको कि बॉयल करके ना निकाला गया हो, जिसको कि हीट पे ना चढ़ाया गया हो। तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल एक बड़ा चम्मच ले लीजिए, उसमें आप एक चम्मच शहद डाल लीजिए, छोटा चम्मच, एक छोटा चम्मच शहद यानी हनी डाल लीजिए, और आप उसमें ऑरेंज का, संतरे का जेस्ट डाल लीजिए। जेस्ट साथियों वो कंपोनेंट होता है कि जो पूरा संतरा होता है उसका जो छिलका होता है, उस छिलके की भी छीलन जो होती है उसको जेस्ट कहते हैं। तो अंदर की तरफ से मान लीजिए ये ऑरेंज है, तो ये अंदर का छिलका है, इस छिलके को आप इतना हिस्सा हाफ आप पील कर लें इस तरह करके उसको, और उससे आप जूस निकाल लें, या वो रेस्टी ऐसे हो, गूदा पल्प, इन तीनों चीज़ों को आप मिला लीजिए साथियों, और इसको आप 15 से 20 मिनट, मैं कहता हूँ 20 मिनट से आधा घंटा आप अपने चेहरे पे लगा के छोड़ दीजिए, उसके बाद चेहरा धो दीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इसकी बहुत संभावना है कि आपकी जो त्वचा है वो इतनी मॉइस्चराइज और सॉफ्ट हो जाएगी कि 6 महीने के बच्चे जैसी त्वचा लगने लगेगी। और हम आपको साथियों ये भी बताते हैं कि ऐसा क्यों होगा, आखिर ये तीनों चीज़ें मिलके, कोकोनट ऑयल, हनी और ऑरेंज, संतरे का जो पल्प होती, जेस्ट होती, छिलके का जो गूदा होता है, वह आपके चेहरे को क्यों मॉइस्चराइज रखेंगी। साथियों यह नुस्खा इसलिए काम करेगा क्योंकि इसका जो पहला इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, गरी का तेल, इसमें मीडियम चेन फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, और मीडियम चेन फैटी एसिड्स ही वह कंपाउंड्स होते हैं जो रिस्पांसिबल होते हैं आपकी स्किन में मॉइस्चराइजर को रिटेन करने के लिए, यानी कि स्किन से वाटर लॉस को कम करने के लिए। आप गूगल करिएगा इस बात को, आपको ये वर्ड मिलेगा जो मैं कह रहा हूँ। अल्फा चेन फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, और जो अपना हनी होता है, हनी में 181 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं आपकी स्किन के लिए। तो जब आप शहद लगाते हैं तो वो 181 न्यूट्रिएंट्स का आपको लाभ मिलता है। और तीसरी बात जो हमने कही थी, ऑरेंज, ऑरेंज में साथियों हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो यह तीनों चीज़ें मिलके आपकी स्किन को खूबसूरत बनाएंगी, उसे मॉइस्चराइज करेंगी, उसे चमकता दमकता रखेंगी। आप इसको करिएगा साथियों 1 महीना, और हमको कमेंट पोर्शन में लिखकर बताइएगा आपको मन आनंदित हुआ इस नुस्खे से कि नहीं, क्योंकि जब तन आनंदित होगा तो मन आनंदित होगा, और जब मन आनंदित होगा तो आप सफलता के नए आयाम पे कॉन्फिडेंस के कारण पहुँचेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप इसको करिएगा साथियों, मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, नोटिफिकेशन पैनल में दिया हुआ है, प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे पाए। निवेदन करेंगे साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें ताकि अन्य लोग भी हमको भी जानें, आपके भाई को जानें, और साथ में उन्हें अच्छी रिफाइंड जानकारी मिलती रहे जिसका वो लाभ लें। हमारे चैनल को अन्य साथियों से सब्सक्राइब कराइएगा, और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हर दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।